घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जो कि बहुत कम पूंजी में शुरू होगा और बहुत ज़्यादा मुनाफा देगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे इस बिज़नेस के बारे में। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम बात कर रहे हैं ई रिक्शा के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, इस ई रिक्शा के बिज़नेस की डिमांड इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और धीरे धीरे इसका जो भंडार है वो कम होता जा रहा है। तो आगे फ्यूचर में इस ई रिक्शा के बिज़नेस की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है क्योंकि इसी तरीके के बिज़नेस को आप आसानी के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ई रिक्शा के बिज़नेस के बारे में। इस पूरी वीडियो में हम ई रिक्शा से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि बैटरी की लाइफ क्या होती है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें। तमाम तरीके की सभी जानकारी हम इस एक वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है आप उसे प्रेस जरूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे इस बिजनेस वीडियो को। दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं कि हमारे इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करें। पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम कि ई रिक्शा बिजनेस आखिर है क्या। दूसरे नंबर पर देखेंगे दोस्तों कि ई रिक्शा बिजनेस में कमाई कितनी होगी। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों कि खरीदते समय ई रिक्शा क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। चौथे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों कि ई रिक्शा खरीदने के एडवांटेज क्या है। तो इसमें हम एडवांटेज से रिलेटेड पूरी चीज़ें बताएंगे कि डीजल और पेट्रोल के जो रिक्शा हैं उनकी अपेक्षा इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। और पाँचवें नंबर पर बात करेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा इंडिया में कैसे खरीदें। पूरी जानकारी देंगे, हम ऑनलाइन भी जाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे, साथ में हम मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करेंगे आपको कि आप कैसे खरीदें, उनसे संपर्क कैसे करें, और साथ में हम वेबसाइट भी बताएंगे जहां से आप ये ई रिक्शा खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों छठवें नंबर पर, ड्राइवर कैसा मिलेगा। तो इससे रिलेटेड भी हम सजेशन आपको देंगे कि आप ड्राइवर कैसे आपको मिल सकता है और ड्राइवर की सहायता से आप और भी ड्राइवर आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं जिससे कि आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं। सातवें नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इससे रिगार्डिंग भी हम पूरी बात करेंगे। आठवें नंबर पर बात करेंगे कि मोस्ट पॉपुलर ई रिक्शा टाइप्स। तो आप ई रिक्शा जरूरी नहीं कि हम व्यक्तियों को बिठाकर ई रिक्शा चलाने वाला ले रहे हैं, पैसेंजर ही ले रहे हैं, इसके अलावा भी ई रिक्शा अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो पूरी जो वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ ई रिक्शा है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। नवे नंबर पर वही बात सेम के मैन्युफैक्चरर ऑफ ई रिक्शा, जो कि हम यहाँ पर बता देंगे दोस्तों कि कैसे खरीदें, तो मैन्युफैक्चरर ऑफ ई रिक्शा के बारे में भी बात करेंगे। दसवें नंबर पर है कि ई रिक्शा खरीदने से पहले उसके स्पेसिफिकेशन, मतलब उसमें क्या क्या हमें देखना चाहिए, सो इसके रिगार्डिंग भी हम आपको बताएंगे। और 11 नंबर पर दोस्तों कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करें इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 11 पॉइंट हैं, ये 11 पॉइंट से आप ई रिक्शा से रिलेटेड अगर बड़े लेवल पर आप बिजनेस करना चाहते हैं या एक ई रिक्शा लेकर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एक एक पॉइंट को आप पूरी अच्छी तरीके से शुरू से लास्ट तक देखें और लास्ट में जाते जाते आप पूरी तरीके से इस बिजनेस से रिलेटेड जानकारी लेकर जाएंगे दोस्तों, ये मेरा विश्वास है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आप उसको प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करें दोस्तों ई रिक्शा बिजनेस आखिर है क्या। तो आज हर जगह फ्यूल से होने वाले पॉल्यूशन से सभी परेशान है। फ्यूल मतलब डीजल और पेट्रोल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है और फ्यूल के पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं दोस्तों। इसलिए इलेक्ट्रिकल जो ऑपरेटेड मशीन है इससे ना तो पॉल्यूशन होता है और ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब आप डीजल और पेट्रोल के जो खरीद रहे हैं ई रिक्शा या रिक्शा खरीद रहे हैं आप, उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, साथ में बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अगर खरीद रहे हैं ई रिक्शा तो बहुत ज़्यादा सस्ते आते हैं उनकी कंपैरिजन में। तो इसलिए ई रिक्शा बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है और कम इन्वेस्टमेंट में आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, ई रिक्शा बिजनेस में कमाई कितनी होगी। इस टॉपिक को मैं आगे इसलिए ले आया हूँ क्योंकि अगर इस टॉपिक में आप कमाई देख लेंगे तो आप आगे सभी टॉपिक देख पाएंगे, क्योंकि कमाई इतनी ज़्यादा है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में है। तो हम कमाई की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आपने ये
हम मान के चल रहे हैं कि आपने एक ई रिक्शा खरीदा है जो एक बार चार्ज होने पर 100 से 120 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर चलता है, या फिर आप मान के चलिए कि 10 घंटे बैटरी चलती है मतलब पूरे दिन भर। इस ई रिक्शा में आप एक ई रिक्शा में 4 से 6 पैसेंजर बैठा सकते हैं। हम देख लेते हैं कि 4 पैसेंजर आपकी कैपेसिटी वाला ई रिक्शा चला रहे हैं आप। तो देखिए अगर 5 किलोमीटर किसी बंदे को ले जाती है तो आप ये मान के चलिए कि आप 10 रुपये लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पूरे दिन भर में आपने 20 राउंड लगा दिए, ठीक है, तो एक राउंड पे 5 किलोमीटर जा ही रहा है तो 20 राउंड पे 100 किलोमीटर हो गया आपका, ठीक है। तो दिन भर का 100 किलोमीटर आपने राउंड चला लिया। आप एक हेड पर आप 10 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये ले रहे हैं, और आपने इस तरीके से आप 4 हेड पर कितने 40 रुपये हो जाएंगे। 40 इंटू 20 करेंगे तो 800 रुपये पर 100 किलोमीटर मतलब पर डे का आप 10 घंटे आपकी बैटरी चलेगी, और 100 किलोमीटर अगर आप ई रिक्शा चला रहे हैं तो 800 रुपये आपके कहीं नहीं गए विदाउट किसी मेंटेनेंस के दोस्तों, क्योंकि बैटरी एक बार लेने पर काफ़ी ज़्यादा 1 साल 2 साल 1.5 साल की वारंटी आती है, 1.5-2 साल चलता है। तो इस तरीके से आपके ये 800 रुपये फ्री में आ गए, मतलब आपको बस एक बार खर्च करना है। और 800 रुपये के हिसाब से अगर देखते हैं दोस्तों कि पर डे अगर 800 रुपये लेते हैं तो 30 दिन का 24,000 रुपये हो रहा है। तो इस तरीके से 60 से 70 हज़ार रुपये में ई रिक्शा आता है। तो इस तरीके से आप 3 से 4 महीने में ई रिक्शा की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या ई रिक्शा की जो कीमत है उसको आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ओनली बैटरी पर खर्च करना होगा। तो इस तरीके से आप इसकी कमाई देख सकते हैं दोस्तों। हमने एक ई रिक्शा चलाने वाले बंदे से पूछा कि उसकी बैटरी और वो पर डे कितना कमाता है, तो उसने इस तरीके से कुछ जवाब दिया हमें। ई रिक्शा चलाते हैं तो ये एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चलता है? 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर दिन भर चलाने के बाद 70 किलोमीटर चला सकते हैं आप? 70। तो कितना क्या पैसे कमा लेते हो डेली? 600 रुपये 600 रुपये पर डे। बैटरी कितने दिन चलती है इसकी बताते होंगे? बैटरी इसकी गारंटी 6 महीना ही लगी है, मगर होगा इसको 9 महीना 9 महीने लगातार 9 महीने चली आ रही। अब आगे के पूरी टॉपिक ध्यान से सुने क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा रोल अदा करेंगे ये 24,000 रुपये कमाने के लिए। तो अगला हमारा टॉपिक है ई रिक्शा खरीदते समय क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। तो देखिए सावधानी सबसे पहले तो यही है कि ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर से ही खरीदें। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैं ऑनलाइन जाके बताऊंगा कि आप ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर का कैसे चयन करें और कहाँ से खरीदें। 4 से 5 में रेपुटेटेड जो मैन्युफैक्चरर उनके बारे में बताऊंगा, आप उनसे जरूर ये ई रिक्शा उनसे ही खरीदें। दूसरा चीज़ है गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफाइड ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर से ही खरीदें। मतलब जब आप जिससे खरीद रहे हैं तो उससे आप गवर्नमेंट जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है आप उसको देंगे, उसके बाद ही खरीदें। और ब्रांड जहाँ से आप खरीद रहे हैं उसका रेपुटेशन चेक कर लें आप। आपके आसपास भी ई रिक्शा होंगे, आप उनसे बात करें उन्होंने कहाँ से खरीदा है और उसका फीडबैक लें वो कैसा चल रहा है। तो इस तरीके से आप ब्रांड का रेपुटेशन जरूर चेक करें। स्ट्रक्चर और कंपोनेंट में जैसे बैटरी चेक करें दोस्तों, ये सब टेस्टेड होने चाहिए, बैटरी के ऊपर टेस्टेड होना चाहिए। और साथ में उसका वारंटी जरूर लें। स्पेयर मैनेजमेंट करके रखें, उसमें भी कई छोटे छोटे स्पेयर लगते हैं तो उनके बारे में भी जानकारी लें। फाइनेंस अगर आप करना चाहते हो तो फाइनेंस के लिए भी आप एडवाइस जरूर लें, 2-3 जगह एडवाइस करने के लिए चले जाएं। तो उससे क्या रहेगा कि आप आसानी के साथ फाइनेंस कर सकते हैं। बैटरी लाइफ के बारे में पूछें, वारंटी पूछें, सीटिंग कैपेसिटी देख लें कि 6 बिठाने वाला ले रहे हैं, 4 बिठाने वाला ले रहे हैं, या ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब आप जब ई रिक्शा चला रहे हैं तो ग्राउंड से कितना ऊपर उठा होना चाहिए, ये भी आपको पूरी तरीके से खरीदते समय ध्यान रखना है। मोटर की वारंटी आपको पता करना है और माइलेज। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब जो मैंने पॉइंट बताए इनका आप पूरी तरीके से ध्यान रखें। एक कॉपी लें, उसमें अपने पेन से लिख कर रख लें और इन सभी जो पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट के बारे में आपको जानकारी लेना है। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों ई रिक्शा खरीदने के एडवांटेज क्या है इस रिक्शा को खरीदने के। तो एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला तो फ्रेंडली है, आसानी के साथ आप इसको चला सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स कि आप 60,000 में खरीद रहे हैं और 24,000 पर मंथ कमा रहे हैं, तो 2 से 3 महीने में आप उसकी कॉस्ट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सेफ टू यूज़ है, कोई हजार्ड्स नहीं है, बिल्कुल ईजी टू ड्राइव है, कोई भी इसको आसानी के साथ चला सकता है। नीड्स लेड मेंटेनेंस, यस बहुत कम मेंटेनेंस है, ओनली बैटरी है, फिर छोटे से स्पेयर आपको रखने हैं और उनको रिप्लेस कर देना है। और कोई नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कोई पॉल्यूशन नहीं है इसके द्वारा। तो ये इसके सभी एडवांटेज हैं जिनके द्वारा आपको इलेक्ट्रिक ई रिक्शा खरीदना चाहिए।
अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक रिक्शा इंडिया में कैसे खरीदें। तो इंडिया में खरीदने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो यार दिल्ली या मुंबई के बड़े बड़े डीलर से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इंडिया मार्ट पे अभी जाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंडिया मार्ट पे भी आप आसानी के साथ खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर ऑनलाइन चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया मार्ट से आप कैसे खरीदते हैं, और ऑनलाइन भी हम बता देते हैं कि ऑनलाइन भी आप अदर वेबसाइट पर गूगल पर सर्च करके कैसे खरीदें, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया मार्ट पे ई रिक्शा, देखिए ये 1.5 लाख में है, 4 सीट है, बॉडी टाइप लाइसेंस्ड है, बैटरी चार्जर है, तो इस तरीके से, और ये नंबर भी दिया है दोस्तों, आप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। और नीचे अगर बढ़े दोस्तों तो और भी दिया है, ये बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा है 1.5 लाख का है, और ये ई रिक्शा 1.1 लाख का है, ये 1.5 लाख का है, ये 80,000 का है बैटरी ई रिक्शा। इस पर अगर ये मैं लिंक दे दूंगा, ये वाली लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, साइड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से आप आसानी के साथ इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप सर्च भी कर सकते हैं फूड कार्ड ई रिक्शा जो इस तरीके के आते हैं, आप ये भी देख लीजिए 1.5 लाख का है, ये नंबर भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा गार्बेज बैटरी, ये देखिए गार्बेज टाइप का आपको 1.6 लाख का आ जाएगा। ऑरेंज इलेक्ट्रिक ई रिक्शा इस तरीके का आपको 63,000 में मिल रहा है, 5 सीटर है, 9 से 10 घंटे चार्जिंग टाइम भी लगेगा। तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप इनसे संपर्क करें और वेंडर से भी संपर्क करें, मैं आपको वेबसाइट की लिंक भी दे दूंगा आपको नीचे, तो इस तरीके से आप ये खरीद सकते हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो आप यहाँ पर डालिए ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर, जैसे ही आप डालेंगे तो आपको तमाम आ जाएंगे, तो जैसे जैज मोटर है, या आप इसको ओपन करके देख लीजिए, ठीक है, और एक इसको देख लेते हैं हम ओपन करके, एक इसको देख लेते हैं, एक ई रिक्शा नाम भी है गोरखपुर का है, इसको सर्च कर लेते हैं इस तरीके से, मैं ये लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप, तो आप अभी ओपन हो गया है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ये देख लीजिए ई रिक्शा इतने टाइप्स के देते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पर आस्क डीलरशिप के लिए भी आप आस्क कर सकते हैं, पर कॉन्टेक्ट खरीदने के लिए भी आप आस्क कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप ये खरीद सकते हैं। चलिए हम फिर लौटते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि हम ई इलेक्ट्रिक जो रिक्शा है वो इंडिया में कैसे खरीदें, तो अभी हम देख लेते हैं कि ड्राइवर कैसे मिलेगा। तो ड्राइवर को ढूंढने के लिए हम आपको बता दें कि ऑनलाइन या बड़े बड़े डीलर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आसानी के साथ आप खोज सकते हैं, ये लोग भी आपकी हेल्प करते हैं, या फिर अपने शहर में भी आप आसानी के साथ ड्राइवर को खोज सकते हैं जिनको, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति आसानी के साथ चला सकता है, तो बड़े ड्राइवर लाइसेंस की, हैवी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको ड्राइवर आसानी के साथ मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों कि ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस की क्या ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस की अगर बात करें तो जनरली ई रिक्शा कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप जिस शहर में चलाते हैं और वहाँ के अथॉरिटी से बात करें, लाइसेंस अगर आपके शहर में चल लगता है तो आप ज़रूर लाइसेंस लें, या फिर आप डीलरशिप या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसमें बड़े लेवल पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 5 से 6 ई रिक्शा आप चलवाना चाहते हैं आपके नीचे अंडर में, तो आप उसमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगला हमारा टॉपिक है देयर मोस्ट पॉपुलर ई रिक्शा टाइप्स आर, तो ई रिक्शा के टाइप देख लेते हैं, ई रिक्शा के टाइप के देखें दोस्तों, पैसेंजर ई रिक्शा होता है, एक लोडिंग ई रिक्शा होता है, ठीक है, जो सामान ढोने के लिए आता है, हैवी ड्यूटी ई रिक्शा होता है, सामान ढोने के अलावा भी हैवी ड्यूटी करना होगा, फूड सप्लाई होता है, एक बैटरी ऑपरेटर होता है, तो इतने टाइप के ई रिक्शा यहाँ पर उपलब्ध हैं आप जिनको आसानी के साथ खरीद सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ ई रिक्शा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन आप नेट पर इनको भी संपर्क कर सकते हैं, मयूरी है, न्यू आर्कना है, जिसके बारे में, इसके बारे में नैना है, एरिकन के बारे में हमने अभी देखा है, स्काई राइड ई रिक्शा है, तो इनके आप संपर्क कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ई रिक्शा खरीदने से पहले आपको स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने हैं। देखिए सबसे पहले डायमेंशन देखना है, मतलब जो ग्राउंड क्लियरेंस है और इस तरीके के डायमेंशन सभी देखना है, बैटरी देखना है, माइलेज चार्ज देखना है, कॉस्ट देखना है, चार्ज टाइम कितना ले रहा है और मैक्सिमम स्पीड कितना है, तो इस तरीके से ये सब स्पेसिफिकेशन देखने के बाद ही आप ई रिक्शा खरीदें। लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पंजाब नेशनल बैंक ई रिक्शा प्लानिंग से आप लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक पर जाएं और वहां पर ई रिक्शा प्लानिंग से रिलेटेड आप लोन ले सकते हैं।
दोस्तों डेली हम एक न्यू बिजनेस टिप्स देते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जब भी हम अच्छी वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें।